हेलो अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इताशा तौहीद मसीह चैनल। मैं हूं इताशा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उसके बाद में जो बेल का आइकन है उसको दबाने से आपको हमारी वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज है 31 दिसंबर, यानी कि आज न्यू ईयर है और हम चाह रहे हैं कि आज हमें पापा कहीं बाहर ले जाए, आउटसाइड। मुझे इतना तो पता है कि पापा हमें रात को कहीं लेकर जाने वाले, खासकर 12 बजे से बिल्कुल भी नहीं, 9-10 बजे तक चलता है लेकिन 12 बजे नहीं जाएंगे। तो हम लोग पहले ही चले जाते हैं, न्यू ईयर देखना नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम वहाँ जाना चाह रहे हैं। तो अभी मैं पापा को कॉल कर रही हूँ, लगा कि पापा फोन उठा ले क्योंकि अभी सर गया, नमाज का भी टाइम है ना, और देखते हैं पापा क्या रिएक्शन आता है। मैं स्पीकर पे बात करूंगी। चले, कॉल मैंने मिला दी है, अब देखते हैं क्या होता है। स्पीकर पे लगा दी। देखते हैं पापा उठा रहे हैं। हेलो पापा, अस्सलाम वालेकुम। पापा वो आज मैं गाड़ी साफ कर लूं? आज आप जल्दी आएंगे ना? जी पापा, वो मैं रख लूंगी। ठीक है ठीक है, सब हम बाहर जाएंगे ना, देखेंगे यार। पापा देखेंगे नहीं, फाइनल बताया, फाइनल आज नियम है ना। नहीं तो 12 बजे नहीं, हम पहले चले जाएंगे। ठीक है, तो फिर मैं गाड़ी साफ कर लेती हूँ। हाँ मम्मा के साथ कर लूंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। तो पापा से बात हो गई है और शहर हम चले गए, तो अभी मैं जाके गाड़ी साफ करती हूँ। और मुझे यकीन है मैं गाड़ी साफ कर लूंगी, तो हम बाहर पक्के जाएंगे, पापा मना करेंगे नहीं, मुझे इतना तो पता है। और पापा का फोन दोबारा आ गया। हेलो पापा, वो पहले पहला जो मेन दरवाजा है पहले चाबी से खोलना पड़ता है, क्योंकि वो मैंने बैटरी का ताला लगाया है ना। जी पापा पता है मुझे। ठीक है ठीक है। अरे मामा हम भी आ गए तो बड़े, इसका मतलब अब तो मुझे पक्का पता है कि हम जाएंगे ही जाएंगे और मजा आने वाला है। तो चले, अभी तो मैं ट्यूशन जा रही हूँ, ट्यूशन से जल्दी आ जाऊंगी और फिर हम चलेंगे गाड़ी साफ करने। तो देखते हैं फिर क्या होता है। आओ वो फिर आ गए तुम, क्या हुआ? आज ट्यूशन की छुट्टी, ट्यूशन की छुट्टी है। फ्रेंड्स आज तो ट्यूशन की भी छुट्टी हो गई, आज हमारी किस्मत हमारे साथ है। चलो फिर चलते हैं हम जल्दी से। मोटी फ्रेंड्स हम गाड़ी साफ करने तो जा रहे हैं, लेकिन एक टाइम गाड़ी साफ करते करते हमें ये भी तो सोचना होगा कि हम आखिर जाएंगे कहाँ। देखिए भाई, मेरा भी गला खराब है, मम्मा का भी खराब है, सभी का गला खराब हो रहा है, हमारी आइसक्रीम कैसे खाएंगे हम। तो अब हमें सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि पापा बोलेंगे तुम लोग सोचते तो हो नहीं कहाँ जाना है, बस बोल देते हो कि जाना है जाना है जाना है। जब हम गाड़ी में बैठ जाते तो पापा तो पापा बोलते यार पता नहीं कहीं भी चलते। चले अब देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। फ्रेंड्स हमने गाड़ी की सफाई कर ली है और पापा अभी तक नहीं आए हैं, और अभी जैसे ही पापा आ जाएंगे तो हम चलेंगे। लेकिन अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया है कि हम कहाँ जाने वाले हैं, क्योंकि पापा भी आएंगे तो वो चाय वाय पियेंगे फिर हम जाएंगे। तो अब देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। और मम्मा इतना डर रही हैं गाड़ी स्टार्ट करने में, मैं इनको कब से बोल रही हूँ स्टार्ट कर ले कर ले कर ले कर ले कर ले, नहीं रही, कितना डर लगता है। मैं बोले आप हटे, मैं कहती हूँ, बोले नहीं पापा आ जाए फिर कर लेना। हाँ तो फर्स्ट टाइम है, अभी चाबी लगाई तो ये इतना बोलना शुरू हो गई। तो सब कुछ सही है मम्मा, ये भी सही है। हाँ ये भी मुझे सिखाया तुम्हारे पापा ने, स्टार्ट करे ना। आ गए शायद, अरे भाई ये पापा मम्मा बहुत डर रही है, चाबी घुमा ही नहीं रही, बोल रही कब से स्टार्ट करें। नहीं नहीं चाबी नहीं घुमा सकते, मैं यही डर तब आ रहा था, मैंने कहा कि तुम चाबी क्यों उल्टा सीधा कर दो। देखा देखा, एहतियात जरूरी है ना, इतना ब्लर आ रहे हैं आप। चलो खैर बाहर है ना अभी। अस्सलाम वालेकुम।
देखो आज तो ये पार्क भी सजा हुआ है, यहाँ भी जा सकते थे अंदर थोड़ी देर के लिए। फ्रेंड्स हम आए हैं मेहरान आइसक्रीम, हम पहले भी खा चुके हैं लेकिन घर पे खाई थी, अब हम पहली बार आए हैं यहाँ पे कुछ खाने के लिए, देखते हैं किस तरीके की होती है। हम लोग आगे जा रहे हैं, चले हम चलते हैं। कहाँ बैठना है, वही जगह ही जगह। बस चलो हम इधर बैठ जाते हैं, ज्यादा लोग हैं ना। हाँ यहाँ बैठ जाओ। आधी जान डिसाइड करेंगी हम क्या खाएंगे, वैसे हमने तो कर लिया है, उनके डिसाइड से कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सी वाली? पाइनएप्पल खानी। सब चलो लो फिर पाइनएप्पल लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, पापा चले गए हैं हमारा ऑर्डर लेके आने यहाँ पे सेल्फ सर्विस है, और हम लोग आए हैं कि यहाँ पे एक नई जगह देख ली हमने, और साल की शुरू हुई दो एक चीज़ दो नहीं तो यहाँ की आइसक्रीम तो बहुत मज़े की होती है, हम पहले से खा चुके हैं तो इसका कुल्फा भी बहुत मज़े का था, इससे पहले भी हम पता नहीं कौन सा फ्लेवर लाए थे, हम तो कब लाए थे, बहुत मज़े का होता है। और अब आके खाइए, खाई नहीं आए नहीं फिर खाएंगे, खा के मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आपने यहाँ आना है या नहीं। वैसे तो आपने आना है क्योंकि हम पहले भी खा चुके हैं तो बहुत मज़े की। और फ्रेंड्स कल किसी का बर्थडे भी है लेकिन वो मैं अच्छे से बात बताऊँगी, उनको विश भी करना है। This is kulfa. मेरे तो नहीं बेस्ट कुल्फा, मज़ेदार। ये ब्लैक क्रंच, ये है ब्लैक क्रंच। हुसैन कौन सी खा रहे हो? ब्लैक क्रंच। ओह नाम भी आता है, क्या नाम है? पाइन एप्पल। ब्लैक क्रंच पाइन एप्पल बोलो। पाइन एप्पल कौन सी खा रही हो? पाइन अभी हमारा ऑर्डर बनने में टाइम लगेगा, कुछ स्पेशल मंगा लिया है। नानी थोड़ी सी एक कैसा रहा? अच्छा एक्सपीरियंस है जी। क्या खाया? इसको तो बहुत ट्राई करना, ये केक बहुत अभी मैंने ट्राई नहीं किया, मैं भी बताऊँ। नहीं बोल, हाँ जी आप क्या खा रहे हैं जी? आप क्या खा रहे हैं? आई एम हैविंग सूप। कौन सूप? विद एग। दिखाइएगा जरा। ओ यम, यू कैन टेस्ट इट, डू विजिट मेहरान। ओके आइसक्रीम। आपका बेटा आपको बुला रहा है। ये बहुत बदतमीजी है, अपनी यानी किसी को नहीं चखा रहा, सबकी चख रहा है।
ये वाली पूरी लो, ये वाली मुझे दो। चला मैं तो उसकी वाली खा लो। खत्म तो होगा नहीं, फ्रेंड्स हम लोग आइसक्रीम खा के आ गए हैं और बहुत मजे की थी आइसक्रीम। जैसे कि मैंने मंगवाया था आइस लावा, इन लोगों ने आइसक्रीम मंगवाई थी, तो इनने मंगवाया था चॉकलेट फैंटेसी, सब कुछ बहुत मजे का था। मैं आपको फुली रेकमेंड करूंगी कि आप वहाँ जाएं और उसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत मजे का था। और इनने जो मंगवाया था चॉकलेट फैंटेसी, वो भी बहुत मजे की थी। तो ये वाला साल तो ख़त्म हो गया फ्रेंड्स, और नया साल शुरू होगा। वैसे तो हमारा नया साल शुरू नहीं हो रहा, हमारा तो इस्लामी उससे शुरू होता है, लेकिन फिर भी दुनिया के साथ भी थोड़ा न्यू ईयर मना लेना चाहिए। और फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी की बर्थडे है और वो कहती है कि मेरी बर्थडे पूरी दुनिया मनाती है, तो उनका बर्थडे का दिन ही ऐसा है। तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरी एक ही अन्नी है, मेरी खाला जिनका नाम है निगत वकार, उनकी बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे टू यू अन्नी। फ्रेंड्स पापा की वजह से हमारा साल की आखिर और साल की शुरुआत बहुत अच्छी हुई, और पापा का हम सबको आइसक्रीम खिलाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया भी बोल दो, कोई मसला नहीं है, एक ही बात होती है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सबको पता है, ये वाला साल 2022 बहुत सारी मुश्किलें दुख तकलीफ के साथ आया, यानी कि फ्लड भी आया, तो इससे बहुत सारे लोग मुतासर हुए। जैसे कि शराब आया था, मेरे पापा को बकाया था, वहाँ पे गए भी थे, उन्होंने विजिट किया था, उन्होंने हमें बताया भी था कि मतलब लोगों को बहुत परेशानी हुई थी। मैं दुआ करूंगी सबके लिए कि आने वाला साल हम सब के लिए बहुत अच्छा गुजरे, और एक रेजोल्यूशन भी है कि हम सब 5 वक्त के नमाजी बन जाएं और दीन को फॉलो करें, और मतलब बहुत अच्छा साल गुजरे, दुख तकलीफें बहुत कम हो, और होनी भी चाहिए ताकि मज़ा आए जब हमें खुशी हो। तो जैसे कि अभी साल का एंड हुआ है तो हम सब कितनी खुशी मना रहे हैं, लेकिन ये मनानी तो नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी आप सबको बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर, और आने वाले साल में मैं कोशिश करूंगी कि मैं और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं और बहुत सारी जगहों पे नए नए जगहों पे एक्सप्लोर करूं, आप लोगों को दिखाऊं। और मैं सोच रही हूं कि साल का आखिर है तो मैं अपने एक न्यू चैनल की आपको वो भी कर दूं कि मैंने एक नया चैनल है, इस्लामिक चैनल, तो मेरे मम्मा पापा बोले थे कि मैं उसमें कायदा बनाना शुरू कर दूं। तो हो सकता है कि अब ये मैंने वो बना तो लिया है, लेकिन अब साल की शुरुआत होगी तो उसके साथ मैं अपना चैनल भी जो है इंशाल्लाह ओपन कर दूंगी और उसमें आपको कायदा पढ़ाना भी शुरू कर दूंगी। तो फ्रेंड्स अब जो जो तजवीद से कायदा पढ़ना चाहता है तो वो मेरी वीडियोस को फॉलो कर सकता है, क्योंकि मैं उसमें पूरी दिन तजवीद से पढ़ाऊंगी, और मतलब कि जैसे जब मैं उसकी ओपनिंग करूंगी तो मैं आपको इसी चैनल में बता दूंगी। तो फिर आप उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस चैनल को भी भाई जल्दी जल्दी आगे बढ़ाएं मुझे, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ। तो आप सबको बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। बैठो, एक मिनट रुको, सही। हम सब पर अल्लाह अपना हम सब पर अल्लाह पाक अपना खास करम फरमाए, और आप सब लोगों को एक कामयाब रुको जरा सबर करो। 2000 years later please speak up। अल्लाह पाक हम सब पर अपना रहम करम फरमाए और बहुत सारे